बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के ठीक पीछे बने औद्योगिक क्षेत्र से रातोंरात सीवर लाइन उखाड़ दी गई। अब ये सीवर लाइन किसने उखाड़ी, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि एसडीएम पिछले दिनों सीवर लाइन को अवैध बताते हुए उद्योगपतियों को खरी खोटी भी सुना चुके थे। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार को वो टैक्स देते हैं, नगर परिषद को हाउस टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा कोई नहीं मिली हुई। उद्योगपतियों ने अपने खुद के करीब 13 लाख रुपए खर्च कर सीवर लाइन डलवाई थी। फैक्ट्रियों के सीसीटीवी कैमरा में सीवर लाइन उखाड़ती जेसीबी कैद भी हुई है। थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े, जोड़ जोड़ के इसको करवाया। चल भाई एक बार ये हमारा रास्ता लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, और वाटर लॉगिंग में कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। हम खुद पंप लगा लगा के बाहर डालते हैं, इसका कोई निकासी नहीं है। निकासी नहीं है तो पानी तो कहीं निकलेगा। इसके लिए हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था, जो लाइन डलवाई भाई परमिशन लेके, उनको भी बोला भाई, वो कह जी हम करवा देंगे, वो करवा देंगे। एमसीडी बहादुरगढ़ वाला कमीशन नगर पालिका भी बोला, वो कह रही हम करवा देंगे जी, हमारा काम है जी, तुम्हारे कोई झूठ नहीं है। फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। अभी पड़ा था लटका हुआ, तो रात को कोई आए और ये उखाड़ उखड़ के सामान भी ले गए। भाई चलो उखाड़ा है तो उनको होगा, तो सामान क्यों ले गए भाई? किस चीज़ का है वो? हमारे पैसे, वो सामान कहाँ है? तो ये तो टोटली चोरी है, टोटल चोरी की हुई है भाई साहब। रात को कर रहे हो फिर कहीं FIR लॉन्च करवाएंगे अभी, FIR लॉन्च करवाते हैं अभी। रात को क्या हुआ हमारा? तो नुकसान काफ़ी हो गया। हम छोटी छोटी फैक्ट्री वाले सब ने 25-25, 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार करके पैसे जोड़ के ये सीवर लाइन प्राइवेट बिछवाई थी। इसमें हमारे करीब 12-13 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। और ये रात में कोई 12-1 बजे के बाद कोई JCB आई है और उन्होंने सारी ये उखाड़ डाली और सामान भी ले गए। कोई उखाड़ने का कारण बताया? कोई कारण नहीं है, हमारे पास कोई कारण नहीं है, कोई किसी चीज़ की कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई उखाड़ने आएगा। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो ये कहा गया कि ये दोबारा बनेगी, सीमेंटेड बनेगी, इसलिए इसको तोड़ रहे हैं। कोई अधिकारी था मौके पे? कोई नहीं था, सिर्फ JCB वाले थे। 2-3 बजे रात को हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, कई फैक्ट्रियों के आगे जो CCTV कैमरे लगे हैं सब पे रिकॉर्डिंग में सिर्फ JCB खोदती नजर आ रही है। तो बिना सीवर लाइन के काम कैसे चलेगा? यही दिक्कत है जी। अभी बारिश आ जाएंगी, फिर यहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी, आना जाना मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट्रियों के बेसमेंट में 2-2 फुट पानी भर जाता है, फैक्ट्री के अंदर पानी घुस जाता है। हम यहाँ पे हर चीज़ में GST नंबर है हमारे पास, SSI में रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने पैसे से सीवर लाइन डाल के हमने सरकारी में जोड़ी नहीं, वो हमने परमिशन मांगी हुई HSIDC से। दरअसल बहादुरगढ़ का आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र HSIIDC के अधीन HSIIDC MIE में नई सीवर लाइन डलवा रही है, लेकिन MIE के ठीक साथ लगते अवैध क्षेत्र के उद्योगपतियों को सीवर लाइन से जोड़ा नहीं गया और औद्योगिक क्षेत्र को अवैध बता दिया गया। मजे की बात तो ये है, जिसे अवैध औद्योगिक क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां की गलियों का पक्का निर्माण नगर परिषद ने ही कराया था। SDM अनिल यादव ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि शिकायत आएगी तो कार्यवाही होगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।